अजमेर के श्रीनगर रोड पर कलर पेंट व आयुर्वेदिक जनरल स्टोर की दुकान पर बाल श्रम करते हुए मानव तस्करी विरोध यूनिट के चाइल्डलाइन्स की मदद से दो बच्चों को मुक्त कराया है। इस मामले में मानव तस्करी विरोधी यूनिट के अधिकारियों ने दुकानदार प्रहलाद को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि वह किस कारण से 8 से 10 साल के बच्चों से काम करवा रहा था। वहीं दुकानदार का कहना है कि उनकी माँ भीख मांगने का काम करती है और उन्होंने ही दोनों बच्चों को यहाँ पर काम के लिए रखा है, जिनको मानदेय दिया जा रहा है। फिलहाल मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने दोनों बच्चों को वहां से मुक्त कराकर चाइल्ड लाइन को सौंपा है, जिससे कि उनको और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके और वह बाल श्रम न कर अलग दिशा में पढ़ लिख कर अपना मुकाम हासिल करें। श्रीनगर रोड पे और ये आयुर्वेदिक की जो कोई शॉप है जनरल स्टोर, यहाँ पे दो बच्चे हैं जो कि बाल श्रम करते हुए पाए गए और इनके मालिक से पूछा गया कि इन बच्चों को आपने रखा हुआ है और इन जो इन बता रहे हैं कि इनकी कोई परमिशन ली हुई है, इनकी मम्मी कोई भीख मांगती है और उनके बच्चे हैं दोनों और उनको मैं मानव तस्करी यूनिट लेके जा रहा हूँ। इनका नाम प्रहलाद है, जिनको मैं दुकान मालिक है, जिनको दो बच्चे हैं, उनकी कार्रवाई करके अवगत कराया जाएगा। ये बच्चों से सामान उठाने करने का काम करवा रहे थे, इनसे यहाँ पर दुकान के तरह रंग पेंट का जो भी डब्बे होते हैं वो उठा रहे थे, आज भी काम कर रहे थे। इनका प्रहलाद नाम है, इनका दुकान मालिक यहीं है, श्रीनगर रोड पर ही है, सामने दुकान है।